हिंगनघाट तालुका के धोतरा शिवार में एक युवा किसान अपने खेती की सब्जी बिक्री करते हुए इस व्यवसाय से प्रतिवर्ष लाखों का मुनाफा कमाता है। किसान सचिन दिगंबर पोहाणे का धोतरा शिवार में 15 एकड़ खेत है। सचिन इसी खेती से निकलने वाली ताजी सब्जी लेके बिक्री के लिए वर्धा हिंगनघाट रोड पे अपने खेत के पास बैठता है। मुसाफिर भी ताजी सब्जी देख आकर्षित होते हैं और सब्जी लेके अपने अगले सफर को निकल जाते हैं। किसान अपनी खेती की सब्जी बिक्री करता है। प्रमुख बात यह है कि सचिन अपनी खेती से निकलने वाली सब्जी को मार्केट में बिक्री को नहीं लेके जाता, अपने खेत के पास में ही रोड के समीप बिक्री करता है। आने जाने वाले रोड के मुसाफिर, दो पहिया और फोर व्हीलर चालक ताजी सब्जी देखते ही सचिन की खेती वाली दुकान की ताजी सब्जी देखते ही आकर्षित होते हैं। सचिन के इस दुकान में हर वक्त भीड़ दिखती है। सभी सब्जियां ताजी और तुरंत खेत से लाई हुई होती है। सभी प्रकार की सब्जियां मिलती हैं। सचिन ने कुछ इंग्लिश सब्जियों का भी उत्पादन अपने खेत में किया है, उसकी बिक्री होती है 12 महीने। सचिन किसी प्रकार का व्यवसाय करता है। सचिन का कहना है कि इस व्यवसाय से उसको साल का 15 लाख रुपए का मुनाफा कमा लेता है। रोज रोज का 3-4 हजार रुपए धंधा होने की बात कही है। इस खेती वाली दुकान में डिजिटल प्रणाली द्वारा यहां पैसे का लेन देन की सुविधा है। किसान के इस प्रयोग से उसके माली हालत में सुधार हुआ है। सचिन ने अद्भुत प्रयोग करके किसानों के सामने आदर्श निर्माण किया है। सचिन पोहाणे, मी धोतरा या गावाचा रहिवासी असून माझ्या शेताच्या बाजूला माझं एक स्टॉल आहे, जिथे माझ्या शेतातला सगळा ताजा भाजीपाला विकतो। माझ्याकडे जसं तुम्ही पाहिला आता ब्रोकोली वगैरे आहे, ब्रोकोली झुकीनी लाल भेंडे आहे आणि आणखी काही प्रकारचा इंग्लिश भाजीपाला आहे, तो आपण थेट ग्राहकाला इथूनच विकलो। किती म्हणजे पैसे कमवून घेतो वर्षी? साधारण दिवसाला 3-1 हजार रुपये होऊन जातात। किती एकर शेती आहे? शेती आमच्याकडं 15 एकर आहे। पूर्ण माल शेतीच करतो? हो, ते भाजीपाला वगैरे लावल्या जातो। 12 महिने करता का? 12 महिने। हिंगनघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।